Hi everyone, welcome to my channel, Dr. Gunjan's Classes. I am Dr. Gunjan, and today we are going to do the last part of chapter number 4 of your class 10, that is carbon and its compounds. तो ये हमारी चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पार्ट है. इसका एक टॉपिक हमारा बच गया है. हम बाकी सारा टॉपिक बहुत अच्छे से कर चुके हैं एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए. सो काइंडली गो थ्रू दीज वीडियोस, दोस 9 वीडियोस बिफोर वाचिंग दिस वीडियो. ओके, एंड आई हैव मेंशनड दोस लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. सो व्हाट टॉपिक वी आर लेफ्ट विद? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सोप्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं. सोप्स की प्रेपरेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है, और क्लींजिंग एक्शन देखेंगे सोप्स और डिटर्जेंट्स का. देन कहाँ पे उनका डिफरेंस आता है और एक एडवांटेज क्या है डिटर्जेंट्स का ओवर सोप, वो भी देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. तो सोप्स और डिटर्जेंट्स तो देखिए आपको सबको पता है कि हमारी रूटीन लाइफ में कितने जरूरी है. हम वो कितना यूज करते हैं सोप्स का भी डिटर्जेंट्स का भी. ठीक है, तो सोप्स जो होते क्या है, इनका काम क्या है? बेसिकली क्लीनिंग का काम है. ठीक है, चाहे सोप ले लीजिए चाहे डिटर्जेंट ले लीजिए, दोनों का काम क्या है, क्लीन करने का. पर जो सोप होते हैं, अगर आप इसकी केमिकल फॉर्मेशन देखें, सोच के देखिए, आप रोज जिस चीज को यूज करते हैं, ठीक है ना, कार्बन कंपाउंड है. अगर अपनी रूटीन लाइफ में देखेंगे सुबह से शाम तक आप अगर लिस्ट डाउन करेंगे आपने कितनी चीजें यूज की, तो उसमें से कितनी ऐसी चीजें हैं जो कार्बन कंपाउंड है, कार्बन से बनी हुई है. मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कार्बन, स्टार्टिंग फ्रॉम द सोप एंड डिटर्जेंट. तो सोप जो है, सोप है क्या? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, फैटी एसिड्स की, जो हायर फैटी एसिड है उनका सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जो होता है वो होता है सोप. तो इसका जनरल फॉर्मूला है, आर ग्रुप हो गया हमारा, ठीक है, सीओ नेगेटिव लगा हुआ है, एनए पॉजिटिव लगा हुआ है. तो हमारा फैटी एसिड ग्रुप हो गया ओलिक एसिड, है ना, ओलिक एसिड जिसमें सीओ ग्रुप भी लगा हो और सोडियम सॉल्ट हो, या फिर यहाँ पे सोडियम लगा हो या फिर यहाँ पे पोटेशियम लगा हो, ठीक है, किसी भी जगह पे. ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हायर फैटी एसिड्स का जो है वो उसको सोप बोलते हैं. उसका जनरल फॉर्मूला सोप का ये रहता है. इसके एग्जांपल्स हमारी ओलिक एसिड आ गई, स्टियरिक एसिड आ गई, देन पाल्मिटिक एसिड आ गई. ये सारे के सारे एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ देयर एस्टर्स अलोंग विद ग्लिसरॉल्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे सोप्स में. तो दीज एस्टर्स आर कॉल्ड एज ग्लिसराइड्स एंड दे आर प्रेजेंट इन फैट्स एंड ऑयल्स ऑफ एनिमल्स और वेजिटेबल्स. ठीक है, या तो एनिमल से मिलते हैं या फिर वेजिटेबल से मिलते हैं. सो दिस इज अबाउट द सोप. देन सोप की प्रेपरेशन कैसे करते हैं? सोप की प्रेपरेशन, आप अगर कोई भी ऑयल या फैट ग्लिसराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से जब हम ट्रीट करते हैं तो वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में ग्लिसरॉल बना देता है. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन. So this reaction is saponification reaction. जो ester group जब NaOH के साथ जुड़ता है तो वो glycerol बनाता है और वो sodium salt बना देता है उस acid का, जिसको हम लोग soap बोलते हैं. तो ये इस तरह से हमारा soap produce होता है. आप इस picture में देख सकते हैं, है ना, किस तरह से हमारा soap की formation हो रही है. तो यहाँ पे एक stand है, stand में heat product प्रोड्यूस कर रहा है, ये वायर गॉस लगी हुई है, ठीक है, ये बीकर है, बीकर के अंदर दोनों रिएक्टेंट्स हमने डाल दिए, इनमें रिएक्शन हो रही है. जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो हमारा सोप जो है फॉर्म हो गया. इस तरह से सोप की फॉर्मेशन जब हुई तो वो हमने मोल्ड में, उसको डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड में डाल दिया जाता है ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की प्रोवाइड कर दी जाए. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ द सोप. देन कम्स आर डिटर्जेंट्स. अब सोप तो हो गई हमारी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स. अब हम बात कर लेते हैं डिटर्जेंट्स की. तो डिटर्जेंट्स जो हैं ये भी सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, बट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स. दे आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय ये किसके वो हैं, सॉल्ट्स हैं, सोडियम सॉल्ट्स हैं सल्फोनिक एसिड के. सो दिस इज द डिफरेंस. वो है कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, ये है ऑफ सल्फोनिक एसिड.
सो सी दिस डिफरेंस. ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक एग्जांपल हमारी डिटर्जेंट. इस तरह से अगर आप कार्बन कंपाउंड्स को देखें जिसमें सल्फोनिक ग्रुप लगा होगा तो ये बन जाएगा हमारा डिटर्जेंट, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड. ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा चेन है इसकी फंक्शनिंग है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं. सो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. सो क्लींजिंग एक्शन की जब हम डिटर्जेंट की बात करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू दी क्लींजिंग एजेंट ऑफ दी सोप. ठीक है, तभी हम लोग डिटर्जेंट को यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, है ना. वाई इज इट सो? क्योंकि आप देखें दोनों के पास क्या होता है, अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे तो दोनों के पास दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है. ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का बना होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक फोबिया, इसको ब्रेक कर लीजिए, इस कंपाउंड को, इस नेम को ब्रेक कर लीजिए. हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया फोबिक मीन्स फोबिया, पानी से डरने वाला, जो पानी से दूर रहे. एक तो ये कंपोनेंट हो गया इसका, फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया जो पानी से डरता है. दूसरा हो गया शॉर्ट आयनिक पार्ट जो कि हाइड्रोफिलिक, पानी को अट्रैक्ट करता है. शॉर्ट आयनिक पार्ट जो आयन से बना हुआ है बट वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर को पसंद करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो दो तरह के इसके पार्ट्स हो गए. हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो हो गया हमारा मतलब कि हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया हाइड्रोफोबिक, और जो आयनिक पार्ट हो गया वो हो गया हाइड्रोफिलिक. समझ आ रहा है? तो अगर आप ये एक डर्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है, डर्ट मॉलिक्यूल है तो ये इसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट है सपोज. ठीक है, तो सोप या डिटर्जेंट एक्शन क्या होगा, तो ये जो चेन लगी हुई है दिस इज हाइड्रोफोबिक, तो ये ऑयल की पास वाली साइड पे है, और ये जो बाहर का साइड है ये हाइड्रोफिलिक है. ठीक है, आयनिक स्ट्रक्चर है, आयनिक स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोफिलिक है, ये पानी के अट्रैक्ट कर रहा है. तो जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये डर्ट से जुड़ जाएगा और ये यहाँ पे इसको रिमूव कर देगा डर्ट को जब ये इसके कॉन्टैक्ट में आएगा. ठीक है, तो दो पार्ट्स काम करते हैं, एक हाइड्रोफोबिक हो गया, एक हाइड्रोफिलिक हो गया. हाइड्रोफोबिक जो पानी से दूर रहता है, ये हाइड्रोफिलिक है जो पानी के पास रहता है. तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है सोप का वो ऑयली पार्ट से अपने लिंक कर जाता है, और आयनिक पार्ट क्या होता है वाटर की तरफ रहता है, और वे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसको बोलते हैं माइसिली. ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको बोलते हैं माइसिली फॉर्मेशन. तो माइसिली फॉर्मेशन कैसे होती है, जो सोप का हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो ऑयल से लिंक कर लेता है अपने आप को, जो उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर की तरफ हो जाता है, और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इस तरह का स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको बोलते हैं माइसिली फॉर्मेशन. सो दिस सोप माइसिली रिमूव्स द डर्ट, ये इसको डिसॉल्व कर लेती है डर्ट को वाटर के अंदर, और हमारे कपड़े धुल जाते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी वॉश अवर क्लोथ्स. सी द केमिस्ट्री बिहाइंड द वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स. किसी ने सोचा भी नहीं होगा अभी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हम कपड़े कैसे धोते हैं, राइट. सो नाउ यू नो, लेट्स सी इसमें बड़ी पिक्चर में कैसे. देखिए ये, देखिए ये सोचिए एक कपड़ा है, दिस इज अ फैब्रिक जो गंदा है, ये डर्ट लगी हुई है इसके ऊपर, ये ब्राउन सी डर्ट लगी हुई है. ठीक है, अब हमने सोप को रब करना है, तो सोप आया, सोप या डिटर्जेंट, एनी थिंग यू से, सोप और डिटर्जेंट, व्हेन इट कम्स व्हाट डज इट डू, ये क्या करेगा. ये दो पार्ट्स हो गए, दिस वन इज हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड दिस वन इज हाइड्रोफिलिक पार्ट. ये आयनिक पार्ट है और ये उसका हाइड्रोकार्बन की चेन है. ठीक है, ये वाली चेन क्या करेगी, ये वाली चेन नॉन, ये वाली जो चेन है नॉन पोलर टेल है, ये डर्ट की तरफ पॉइंट करेगी, इससे अटैच हो जाएगी, है ना, इसकी तरफ. और ये बाहर वाली साइड ये पोलर चेन है, ये पानी की तरफ अटैच, पानी की तरफ अट्रैक्ट करेगी. ठीक है, देन इसके बाद ये जब लिंक हो गई इसके साथ तो इसने एक सोप माइसिली फॉर्म कर दी, इस तरह की एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया जिसमें डर्ट जो है ट्रैप हो गई. सोप के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोकार्बन चेन में उसको अपने अंदर ट्रैप कर लिया, जिसके कारण वो डर्ट डिसॉल्व होकर पानी में आ जाएगी. तो ऐसे वॉश करेंगे तो वो डिसॉल्व होकर पानी में जब चली जाएगी डर्ट, तो इस तरह से हमारा कपड़े से ये डर्ट उन्होंने निकाल दी. तो
तो ये कपड़ा जो है डर्ट फ्री हो गया. दिस इज हाउ वी वॉश अवर क्लोथ्स एंड दिस इज द प्रोसेस हाउ द डर्ट इज रिमूव फ्रॉम द फैब्रिक ओके बाय द यूज ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. नाउ कम्स अ डिफरेंस बिटवीन द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस. फर्स्ट इज सोप जो है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स किसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ये वाला COO नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव. जबकि ये है अमोनियम या फिर सल्फोनेट सॉल्ट्स हैं इसके सल्फोनिक एसिड्स के ये वाले सोडियम सॉल्ट्स हैं सल्फोनेट सॉल्ट्स के सल्फोनिक एसिड्स के ठीक है दिस वाले SO3 नेगेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड के नहीं सल्फोनिक एसिड के. इसकी एफिशिएंसी हार्ड वाटर में कम जाती है. सो दैट इज व्हाई डिटर्जेंट्स आर मोर इफेक्टिव देन सोप्स ठीक है. तो हार्ड वाटर क्या होता है सॉफ्ट वाटर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे. तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो अनअफेक्टेड रहती है हार्ड वाटर में. हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम करता है अच्छे से कपड़े को धो देता है. सोप्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं ठीक है. तो वो मतलब अच्छे से डिग्रेड हो सकते हैं जबकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो गया. सो बट सी दिस इज अ डिफरेंस यू कैन राइट इट डाउन किस तरह से सोप्स और डिटर्जेंट्स का काम होता है ठीक है. तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा. अभी हम देख लेते हैं हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है. सो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर जो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता सोप के साथ उसको बोलते हैं हार्ड वाटर. हार्ड वाटर क्या होता है जो मतलब अगर सोप उस पर लगाएंगे तो एक लेदर सा प्रोड्यूस नहीं करता जिससे झाग नहीं आती फ्रॉथ नहीं आती उस तरह की है ना. तो दैट इज हार्ड वाटर जो प्रोड्यूस करता है लेदर ठीक है उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर जो नॉर्मली यूज करते हो. और वो हार्डनेस किसके कारण है बाइकार्बोनेट्स होते हैं पानी में क्लोराइड्स हैं सल्फेट्स हैं कुछ इस तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं पानी में जिसके कारण वो हार्ड वाटर बन जाता है ठीक है. सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है. सो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है. और ये माइसिली क्या होती है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्जाम्स में. सो मेक श्योर ये आप अच्छे से पढ़ें ठीक है. सॉफ्ट वाटर क्या होता है जिसमें आप अगर विजिबली में देखें तो क्लियर वाटर होता है ऊपर लॉट्स ऑफ बबल्स इस तरह से दिखती है अगर सोप के कॉन्टेक्ट में आता है. हार्ड वाटर में मिनिमल टू नो बबल्स क्लाउडी सा वाटर रहता है ठीक है. तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो जो हमारा हार्ड वाटर होता है ठीक है तो वो कोई भी डिपॉजिट्स नहीं छोड़ता वो स्टेन फ्री स्टेन्स वाटर टेक्सचर मतलब अगर आप अप्लायंसेस के केस में बात करें तो इसमें हाई लेवल ऑफ करोसिव सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं सॉफ्ट वाटर में. वो डिशेस को कम पानी से क्लीन कर देता है जबकि हार्ड वाटर के केस में क्या होता है कि वो कपड़ों को डिसकलरिंग कर सकता है उसकी है ना. अगर पानी हार्ड होगा आप कपड़े धोने के लिए डाले हो सकता है कलर वेरी कर जाए कलर निकल जाए या कुछ और प्रॉब्लम आ जाए. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हार्ड वाटर में रहती है. जब आप पीने के हिसाब से बात करें तो कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं हार्ड वाटर के क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है उसका टेस्ट भी बेटर लगता है. जबकि सॉफ्ट वाटर में हाई लेवल ऑफ सोडियम रहता है तो उसकी जो वाइटल मिनरल्स होते हैं वो कई बार कम हो जाते हैं. बट ठीक है ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का ड्रिंकिंग के कारण आप कह सकते हैं. जब स्किन के ऊपर इम्पैक्ट की बात करें तो हार्ड वाटर बहुत हार्म करता है आपके हेयर्स को ठीक है. कुछ डिजीजेस स्किन डिजीजेस होने का खतरा रहता है जिसको एक्जीमा बोलते हैं ठीक है. ऑयल जो है वो स्ट्रिप स्किन के सर्फेस से ऑयल्स को निकाल देता है. जबकि अगर आप सॉफ्ट वाटर की बात करें वो अच्छे से लेदर प्रोवाइड करता है आपको ठीक है. पानी अच्छे से शैम्पू को रिमूव कर सकता है. आप बाल धो रहे हैं अपने तो आप अच्छे से वॉश कर पाएंगे कम पानी में अच्छे से आपके बाल वॉश हो जाएंगे हेयर्स. सो हार्ड वाटर में ऐसा क्यों है क्योंकि इसके अंदर बाइकार्बोनेट्स कुछ ऐसे और मिनरल्स प्रेजेंट हैं जिसके कारण वो हार्ड हो जाता है. सो बेसिकली हार्ड वाटर के ये डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि स्किन को हार्म कर सकते हैं. सो देन इज द डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट. की डिटर्जेंट का डिसएडवांटेज क्या है सॉरी एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज सोप का क्या है एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप. तो सोप के ऊपर डिटर्जेंट का एडवांटेज क्या है कि सोप जो डिटर्जेंट है हमारे वो हार्ड वाटर के अंदर भी यूज किए जा सकते हैं जबकि सोप्स जो हैं हार्ड वाटर में ये काम नहीं करते
बिकॉज हार्ड वाटर रिएक्ट कर जाता है सोप से, एक कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है जिसको स्कम बोला जाता है। जब सोप कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो एक ही कैल्शियम स्टीरेट फॉर्म कर देता है जिसको स्कम बोला जाता है और NaCl प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण कपड़े अच्छे से धुलते नहीं है। पानी खुद ही सोप पानी से खुद ही रिएक्ट कर गया, ठीक है, जबकि हार्ड वाटर में सोप कोई लेदर भी प्रोड्यूस नहीं करता, जबकि डिटर्जेंट लेदर प्रोड्यूस करता है। तो सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, वेयर एज डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन हॉट वाटर। सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर द सोप। सो ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में आ सकता, हो सकता है 1-2 मार्क्स में आ जाए। तो यू नो व्हाट डू यू मीन बाय स्कम, स्कम पता होना चाहिए ये टर्म क्या है, और ये जो रिएक्शन है किस तरह से होती है ये पता होना चाहिए। और सारी की सारी रिएक्शंस यू हैव टू राइट द रिएक्शंस इन द बैलेंस्ड इक्वेशंस, लाइक बैलेंस्ड इक्वेशंस जितनी भी लिखनी है। तो चैप्टर नंबर 1 अच्छे से कीजिए, तभी आप बैलेंसिंग करनी सीख पाएंगे। ओके, सो दिस कवर्स योर चैप्टर नंबर 4 सो ऑफ योर क्लास 10, and I hope this chapter is clear with you, and if you like this video, please press the like button and share this video with your friends, and don't forget to subscribe my channel for the new videos about, and so that you get the notifications about the new videos. Okay, so we are going to bring the another chapter number 5 of your unit number 1 by tomorrow. So thank you so much. See you soon. Till then, take care.